हेलो फ्रेंड्स जी टू एमटीएस के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम शुरू करने करने वाले वाले हैं हैं हमारा पोस्टल वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन तो इसमें हमारे पास टोटल सात क्वेश्चन आएंगे फोर्टीन मार्क्स के तो इसमें जो सबसे पहली हमारे पास डेफिनेशन है ये है पोस्ट मास्टर जनरल पी एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल मीन्स तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पोस्ट मास्टर जनरल है जो इसका क्या मतलब होता है ए प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल चीफ पोस्टमास्टर जनरल यानी कि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल जो हमारा सीपीएमजी होता है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल जो आर होता है क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस तो इन सभी के लिए यूज किया जाता है हमारा पोस्ट मास्टर जनरल ये वाला वर्ड यूज किया जाता है एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग दी पावर ऑफ प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस या फिर कोई अदर ऑफिसर जो इन सभी की पावर्स का यूज करता है उसको क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे पोस्ट जनरल उसके बाद है हमारे पास रेलवे मेल सर्विस आर ये भी आपको याद रखने आर एम एस की फूफॉर्म होगी जैसे रेलवे मेल सर्विस सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरीज ऑफ मेल्स बाय रेल रोड रिवर एंड एयर एंड फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस एंड सेक्शंस तो जो हमारे पास मेल कैरीज होती है रेल रोड रिवर या फिर एयर से या फिर जो हमारी डाक प्राप्त होती है पोस्ट ऑफिस से मेल ऑफिस या फिर सेक्शन से अनुभागों से उसको कलेक्ट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ये किसका जिम्मेदारी होती है रेलवे मेल सर्विस की नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सुप्रीटेंडेंट की एस चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल एंड आर एम एस तो जो हमारे पोस्टल और आर एम एस रेलवे मेल सर्विस डिविजन है, होते हैं मंडल होते हैं उनका जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है सुप्रिंटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ डिवीजन अंडर हिज कंट्रोल और जो डिवीजन का जो मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण है वो भी किसके अधीन रहता है के ऑल ऑफिसर्स इन डिवीजन में वो सुप्रिंटेंडेंट के अधीन आते हैं और जो सुप्रिंटेंडेंट होता है सुप्रिंटेंडेंट इज इमीडिएटली सबोर्डिनेट टू हेड ऑफ सर्कल और रीजन तो जो हेड ऑफ सर्कल होता है हमारा सीपीएमजी या फिर हेड ऑफ रीजन होता है जो हमारा पीएमजी उसके अधीन होता है हमारा सुप्रिंटेंडेंट एक्सप्रेशन सुपरिटेंडेंट इंक्लूड्स सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल एंड आर एम एस डिवीजन इसके बाद हमारा जो सुपरिटेंडेंट होता है और किस किस को हम कहेंगे जो हमारा सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है पोस्टल या रेलवे मेल सर्विस का जो डिविजन होते हैं उनका जो सीनियर सुपरिटेंडेंट है उसको भी सुपरिटेंडेंट की तरह माना जाता है एंड फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर को भी सुपरिटेंडेंट ही बोला जाएगा इस वर्ड में सुपरिटेंडेंट वर्ड में ये दोनों भी साथ में इंक्लूड होते हैं इन दोनों को भी माना जाएगा हेड ऑफिस प्रधान डाकघर डेफिनेशन क्या है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के उन सभी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें डेफिनेशन क्या है हेड हेड ऑफिस ऑफिस की ए इज मेन ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ इट सेल्फ एंड ए नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिस कोल्ड सब एंड ब्रांच ऑफिस विच अंडर इट्स अकाउंट यूरी तो इसकी डेफिनेशन क्या है हेड ऑफिस जो प्रधान डागर होता है ये ग्रुप होता है पोस्ट ऑफिस का जिसमें स्वयं प्रधान डागर मतलब कि खुद और उसके बाद इसमें छोटे पोस्ट ऑफिस जिन्हें हम सब पोस्ट ऑफिस या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं ये इसके अंडर आते हैं जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में आते हों ये इनका ग्रुप होता है एक मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फार और ये किसका लेखा कार्यालय ले होता है इट्सल्फ हेड ऑफिस तो एक तो ये खुद का हेड लेखा कार्यालय ले हो गया खुद के लिए अकाउंट ऑफिस हो जाएगा और जो भी इसके अंडर आते हैं सब ऑफिस या फिर ब्रांच ऑफिस जो भी ग्रुप में आते हैं उनका ये लेखा कार्यालय होगा मोनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ लेटर ऑफिस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स अकाउंट और जो भी मोनिट्री ट्रांजेक्शन होती हैं जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं लेखा जोखा जो भी होता है सब और हमारे पास ब्रांच ऑफिस का वो इसमें अपने लेखे में इसको एड करता है अपना जो इसका लेखा होता है या फिर अपनी जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें इसको मिलाता है ऑफिसर इन चार्ज कौन होता हैड पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस का जो ऑफिसर इन चार्ज होगा वो कौन होगा हेड पोस्ट मास्टर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वी सेट स्टेशन तो वी सेट स्टेशन की पहले तो इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और ये कहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस आर आइडेंटिफाइड एज तो इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस को वी सेट स्टेशन की तरह आइडेंटिफाई किया गया है उनको माना गया है थ्रू दीज पोस्ट ऑफिसेज मनी ऑर्डर आर ट्रांसमिटेड यूजिंग वी सेट टेक्नोलॉजी और इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या होता है कि मनी ऑर्डर्स को ट्रांसमिट किया जाता है वी सेट टेक्नोलॉजी के साथ उसके बाद ई एस एम ओ ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट स्किल फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर वर्किंग एज एक्सटेंशन काउंटर्स फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू वी सैट स्टेशन तो जो एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर है ये क्या है हमारे पास कि इसमें जो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उसमें मनी ऑर्डर्स को ट्रांसमिट किया जाता है तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो मनी ऑर्डर्स वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन से ट्रांसमिट किए जाते हैं या बुक किए जाते हैं उनके लिए एक्सटेंशन काउंटर की तरह काम करेगा जो हमारा एक्सटेंडेड सेटेलाइट मनी ऑर्डर होगा हाइब्रिड मेल सर्विस हाइब्रिड मेल सर्विस क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स कनेक्टेड थ्रू वी सेट विच कैन बी डिलीवर्ड टू वन और मोर एड्रेस एट रिसीविंग स्टेशन तो ये भी क्या है हमारे पास ये भी हमारे पास वी सैट स्टेशन में इसका यूज किया जाता है क्या किया जाता है कि जो रिटर्न मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है कंप्यूटर टर्मिनल से जो कि हमारे पास वी सेट स्टेशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जहां पे वो रिसीव होते हैं वहां पर एक या एक से अधिक एड्रेस सी को वो डिलीवर किए जाते हैं वितरित किए जाते हैं उसके बाद आती है हमारे पास जनरल पोस्ट ऑफिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी डेफिनेशन है हमारे पास ये भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट हेड हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ सर्कल और वेयर देर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज जी पी ओ तो प्रथम श्रेणी का प्रधान डाघर जो हमारे पास हेड ऑफ सर्कल होता है सीपीएमजी होता है उसके हेडक्वार्टर में स्थित हो या फिर जहां पर एक से अधिक हेड ऑफिस हो और उनमें से एक जो है हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहेंगे जनरल पोस्ट ऑफिस फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर और जो हमारे प्रथम श्रेणी के प्रधान डागर होते हैं ये किसके अधीन होते हैं जो हमारा वरिष्ठ समयमान अधिकारी होता है जो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर होता है उसके अधीन होते हैं और उसको क्या कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर भी उसको कहा जाता है सेकेंड क्लास हेड ऑफिस अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर और जो हमारे द्वितीय श्रेणी के डाकघर होते हैं हेड ऑफिस होते हैं वो किसके अधीन होते हैं जो ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं और ग्रुप बी ऑफिसर जो होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को ये रिपोर्ट करेंगे उसके बाद आता है हमारा सब ऑफिस या एसओ उप डाकघर सब ऑर्डिनेट टू एंड इन अकाउंट विद हेड ऑफिस मोनिटरी ट्रांजेक्शन आर इन कॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट ऑफ द लेटर ऑफिस तो यह क्या है हमारे पास जो सब ऑफिस होता है ये हमारे पास हेड ऑफिस के अधीन आता है और इसका जो अकाउंट ऑफिस है जो लेखा कार्यालय है वो हेड ऑफिस होगा और इसमें क्या होता है कि जो भी इसकी धन संबंधी लेन देन होता है वो किसके लेन देन में इसको समाविष्ट किया जाता है जो हमारा हेड ऑफिस होता है उसके लेन देन में इसको मिलाया जाता है ऑफिसर इन चार्ज सब पोस्ट मास्टर और जो हमारा सब ऑफिस होता है उसका जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो कौन होता है सब पोस्ट मास्टर होता है उसके बाद आता है हमारे पास टाउन सब ऑफिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स देयर इज आल्सो हेड ऑफिस टर्म्ड एज टाउन सब ऑफिस ऐसा उपडागर जो किसी नगर या उपनगर में स्थित हो जहां पे हमारे पास हेड ऑफिस भी स्थित हो उसको क्या कहेंगे हम टाउन सब ऑफिस उसके बाद आता है हमारे पास ब्रांच ऑफिस या बीओ शाखा डाघर लोअर स्टेटस सब तो सब ऑफिस ऑफिस तो के नीचे आता है हमारे पास ब्रांच ऑफिस तो इसमें आपको ये सीरीज भी याद रखनी है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है सबसे पहले हेड ऑफिस उसके बाद सब ऑफिस और सबसे नीचे आएगा ब्रांच ऑफिस अकाउंट ऑफिस ऑफ बीओ मे बी हेड ऑफिस और एच ओ तो जो अकाउंट ऑफिस होता है बीओ का जो लेखा कार्यालय होता है वो हेड ऑफिस भी हो सकता है और सब ऑफिस भी हो सकता है विद बिच इट इज इन डायरेक्ट अकाउंट जिसके साथ इसका डायरेक्ट सीधा लेखा संबंध हो वही इसका अकाउंट ऑफिस भी होगा मोनिटरी ट्रांजेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड इन दी ऑफ़ इट्स लाइटर ऑफिस तो जो भी इसका अकाउंट ऑफिस होगा उसके लेन देन में उसके धन संबंधी लेन देन में इसकी ट्रांजेक्शन जो होंगी धन की उनको मिलाया जाएगा समाविष्ट किया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम जो हमारा ब्रांच ऑफिस होता है उसका जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर बी

तो इसकी डेफिनेशन क्या है एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन ए लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव एंड सो बैग्स इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग दैम तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास ऐसा डाघर ऐसा पोस्ट ऑफिस जो कि सीधी संचार लाइन पर स्थित होता है जहां पर आगे के डाकघरों के लिए आए थैलों को प्राप्त किया जाता है और उनको खोल उनको उनकी छंटाई की जाती है बट उनको खोला नहीं जाता है ठीक है जो भी आगे वाले पोस्ट ऑफिस है उनके लिए वो थैले प्राप्त किए जाएंगे और उनको छंटाई की जाएगी बट उनको खोला नहीं जाएगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई भी पोस्ट ऑफिस ऐसा है जो किसी सीधी संचार लाइन पर स्थित है मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है उसके बाद के जो पोस्ट ऑफिस है उनका रास्ता अलग अलग है ठीक है तो वो जो पोस्ट ऑफिस होगा जिसके जो दी संचार लाइन पर स्थित है वहां पर क्या होगा कि जुन डागरों का रास्ता अलग-अलग है वहां के लिए जो भी थैले आएंगे वो उस डागर में प्राप्त किए जाएंगे और उनकी छंटाई की जाएगी फिर उनको उनके रास्ते में भेज दिया जाएगा बट उनको खोला नहीं जाएगा फॉरवर्ड बैग्स बैग्स फॉरवर्डेड ऑनवर्ड्स वन ओपन तो फॉरवर्ड बैग्स इनको कहा जाएगा ऐसे थैले जिनको बिना खोले आगे भेज दिया जाता है उनको क्या कहेंगे फॉरवर्ड बैग्स जो हमारे आगे वाले डाकघरों के लिए हैं उनको फॉरवर्ड बैग्स कहा जाएगा उनको बिना खोले ही आगे भेज दिया जाता है बैग्स ओपन ट्रांजिट ऑफिस और जो ट्रांजिट ऑफिस में बैग्स खोले जाएंगे जो पारवहन कार्यालय में थैले खोले जाते हैं वो कौन से थैले होंगे ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू ट्रांजिट ऑफिस जो ट्रांजिट बैग्स हैं जो पारवहन थैले हैं जो कि ट्रांजिट ऑफिस के नाम भेजे गए हैं उन्हीं को ट्रांजिट ऑफिस में खोला जाएगा यूज ऑफ ट्रांजिट ऑफिस और जो हमारा ट्रांजिट ऑफिस है इसका क्या काम है इसका क्या यूज है रिड्यूस रिड्यूज नंबर ऑफ लूज बैग जो खुले थैले हैं उनकी संख्या को कम करना यह भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आपको एक एक लाइन अच्छे से देखनी है क्योंकि यही से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे तो इसमें यूज क्या हो गया पारवाहन जो कार्यालय है उसका क्या काम हो गया खुले थैलों की संख्या को कम करना तो आपको रेगुलर क्लासेज में इसकी हिंदी पीडीएफ भी दे देंगे तो आप उसमें आसानी से और अच्छे से इसको समझ सकते हैं उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिट मेल ऑफिस टीएमओ पारवहन डाक कार्यालय जो हमारा ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है ये आर एम एस की ही एक ब्रांच है रेलवे मेल सर्विस की ही एक ब्रांच है क्लोज बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच विदाउट नो शोटिंग यहाँ पे क्या होता है कि जो बैग्स होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है और आगे भेजा जाता है बट यहाँ पे शोटिंग नहीं की जाती है छंटाई नहीं की जाती है। ऑफिसर इंचार्ज टीएमओ जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है उसका ऑफिसर कौन होता है मेल या फिर मेल गार्ड दिस कैन फंक्शन इन नंबर ऑफ सेट्स डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स और ये जो हमारा ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है ये कई सेटों में भी काम करता है जरूरत के हिसाब से अगर जरूरत हो तो ये बहुत सारे सेट्स में भी काम कर सकता है इफ ट्रांजिट मेल ऑफिस फंक्शन इन नाइट सेट अगर ट्रांसिट मेल ऑफिस है नाइट सेट की तरह काम कर रहा है द सेट वर्क थ्रू आउट दी नाइट तो एक सेट जो होगा वो पूरी रात काम करेगा एंड बिल नोट बर्क ऑन नेक्स्ट नाइट और जो आज काम कर रहे हैं आज की रात जो वाला सेट काम करेगा वो अगली रात को काम नहीं करेगा अगली रात को अनदर सेट बिल वर्क इन नाइट तो दूसरा सेट आएगा वो अगली रात को काम करेगा बोथ दीज बैचेस बिल अल्टरनेटिवली वर्क और ये दोनों ही जो सेट होंगे या बैचेस होंगे अल्टरनेटिवली काम करेंगे एक सेट आज काम करेगा दूसरा दूसरी रात को काम करेगा उसके बाद सी टी एमओ सी टी एमओ की फॉर्म है कम्प्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस इन सर्टेन सिटीज वर्क इज हैंडल्ड विद कम्प्यूटर इन ट्रांजिट मेल ऑफिस तो इम्पोर्टेंट सिटी में कुछ एक सिटीज है हमारे पास जहां पे ट्रांजिट मेल ऑफिस में जो काम है उसको कंप्यूटर्स द्वारा किया जाता है हैंडल किया जाता है उसको क्या कहेंगे हम सी टी एमओ कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस उसके बाद है हमारे पास शोटिंग ऑफिस छंटाई कार्यालय ओपनिंग दोर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड बाई इट तो अब यहां पे क्या काम होता है जो शोटिंग ऑफिस होता है छंटाई कार्यालय होता है यहां पे इनको जो भी शोटिंग मेल बैग्स प्राप्त होते हैं जो भी छंटाई डाक थैले प्राप्त होते हैं उनको ये प्राप्त करते हैं उनको ये फिर खोलते हैं डिस्पोजिंग ऑफ देयर कॉन्टेंट्स और उनके अंदर की वस्तुएं जो भी होती हैं लेटर्स जो भी आएंगे उनके अंदर उनका निपटान करेंगे शोर्टिंग ऑफिस में रिसीव आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स इन शोटिंग और जो शोटिंग ऑफिस होता है ये सभी प्रकार के आर्टिकल्स रिसीव करते हैं सभी प्रकार के आर्टिकल्स की ये शोर्टिंग करेंगे और इसका क्या यूज है इसका क्या उद्देश्य है सिंपलीफाई दी वर्क ऑफ शोटिंग इन अदर ऑफिस तो बाकी जो कार्यालय होते हैं वहां पे जो शोटिंग का काम होता है छंटाई का काम होता है उसको सिंपलीफाई करना उसको आसान करना रिड्यूस दी नंबर ऑफ बैग्स एक्सचेंज बिटवीन दी पोस्ट ऑफिस डाक कार्यालयों के बीच एक्सचेंज होने वाले बैग्स की संख्या को कम करना रिड्यूज वेट ऑफ मेल कैरीज ओन मेल लाइन्स और डाक मार्गों पर ले जाए जाने वाली डाक का जो भार है उसको कम करना क्योंकि ये अच्छे से उनकी शोर्टिंग कर देते हैं इसलिए गलत जो बैग्स हैं एक जगह से दूसरी जगह गलती से जो चले जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है इसकी वजह से भार भी कम होता है जो बाकी शोटिंग ऑफिस है उनका काम भी आसान हो जाता है और जो भी हमारे पास एक्सचेंज होते हैं पोस्ट ऑफिस के बीच में बैग्स उनकी संख्या भी कम हो जाती है उसके बाद है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स ए एम पी सी फुल फॉर्म से हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स इन इम्पोर्टेंट सिटीज़ बेहर मेल टैरिफ इज हाई तो इम्पोर्टेंट सिटीज में जहाँ पे हमारे पास डाक का जो आवागमन है टैरिफ है बहुत ही ज्यादा होता है वहां पे हमारे पास ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स काम करते हैं शोटिंग वर्क इज डन विद मशीन हैविंग हाई स्पीड ऑफ शोटिंग और शोटिंग में जो हमारे पास ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है ऐसी मशीन्स होती हैं जो बहुत ही स्पीड के साथ शोटिंग करती हैं आर्टिकल्स की छंटाई करती हैं एम पी सी आर प्रेजेंट एट मुंबई एंड चेन्नई और ए एम पी सी जो हमारे ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं इस समय हमारे पास मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं और यहाँ पे मशीन टाइप्स दो प्रकार की होती हैं ये एक तो लेटर सॉर्टिंग मशीन होती है एल एस एम इसमें थर्टी फाइव थाउजेंड मेल्स पर आवर्स को सॉर्ट करने की कैपेसिटी होती है और जो मिक्स मेल सॉर्टर है एम एम एस इसमें एटीन थाउजेंड मेल्स पर आवर की हिसाब से इसमें छंटाई ये करती है और उसके बाद आते हैं हमारे पास सी आर सी कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर्स रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ मेल ऑफिस तो जो ये हमारे पास डाक कार्यालय की रजिस्ट्रेशन ब्रांच है रजिस्ट्रेशन वर्क डन ऑन कंप्यूटर्स यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का काम किया जाता है कंप्यूटर्स पर किया जाता है एसीआरसी कैन बी सिचुएटेड इन मेल ऑफिस इट और इन सेपरेट लोकेशन और जो हमारा कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर है ये मेल ऑफिस में भी स्थित हो सकता है या फिर किसी और जगह पे भी ये स्थित हो सकता है उसके बाद आता है हमारे पास सोटिंग सब ऑफिस उप छंटाई कार्यालय Suboffice which is selected from its position at or near the junction of several main lines. तो ये क्या है हमारे पास कि ऐसा सब ऑफिस जो इसकी पोजीशन की वजह से इसकी जगह इस ये जहां पे स्थित है उसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया जाता है या फिर ये बहुत सारे डाक मार्गों के जंक्शन पर स्थित होता है अब इसका क्या हमारे पास तात्पर्य है कि ये हमारे पास जो शोटिंग सब ऑफिस होता है ऐसा सब ऑफिस होता है मान लीजिए अब डाक आती है हमारे पास जो भी मेल आती है वो एक ही साइड से आती है तो ये होता है कि ये निकटतम पोस्ट ऑफिस होता है सब ऑफिस होता है जहां पर आगे के डाकघरों के रास्ते जाते हैं बहुत सारे डाकघरों के लिए रास्ते जाते हैं और जहां से उस उप डाकघर को सॉर्टिंग सब ऑफिस की तरह माना जाता है और यह काम क्या करता है सर्व एज सॉर्टिंग ऑफिस फॉर आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू और रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिस टू बीच द रूट लाइन्स थ्रू सॉर्टिंग सब ऑफिस तो इस उपडाकघर के बाद जितने भी इस उपडाकघर से जितने भी डाघरों के रास्ते जाते हैं उनके लिए ये शोटिंग का काम करता है और जो उनसे प्राप्त होते हैं जो भी बो वाले आर्टिकल जो भी पोस्ट ऑफिस आर्टिकल्स को भेजते हैं जो इसके आ, रूट लाइन में आते हैं वो उनके लिए ये आर्टिकल्स रिसीव करता है और जो इनको आर्टिकल्स जाने हैं वो इनकी छंटाई करता है To सकता है ये सभी प्रकार के आर्टिकल की शोटिंग करने के लिए इसको ऑथराइज किया गया है उसके बाद हमारे पास नोडल पोस्ट ऑफिस एनपीओ नहीं इसको बोलेंगे क्योंकि एनपीओ नाइट पोस्ट ऑफिस की हमारे पास फुल फॉर्म है तो इसको सिंपल नोडल पोस्ट ऑफिस कहेंगे हम तो नोडल पोस्ट ऑफिस क्या है इन इम्पोर्टेंट सिटीज और टाउन सम पोस्ट ऑफिसाइज टू रिस पोस्ट ऑफिस तो एक कुछ एक इम्पोर्टेंट सिटीज या टाउन में एक कुछ एक इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज हैं जिनको ये ऑथोराइज किया गया है कि वो नजदीक है जो उनके नेबरिंग पोस्ट ऑफिसेज हैं जो उनके पड़ोसी डाकघर हैं बे उनसे जो डाक है उनको प्राप्त कर सकते हैं सोर्ट दी मेल एज पर दोर्टिंग डायग्राम गिवन बाई दी आर एम एस सुपरिंटेंडेंट और जो रेलवे मेल सर्विस का सुपरिटेंडेंट होता है उसके द्वारा एक छंटाई डायग्राम दी जाती है उसके हिसाब से वो मेल्स को सॉर्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास सॉर्टिंग डायग्राम होती है वो किसके द्वारा दी जाती है रेलवे मेल सर्विस सुपरिटेंडेंट द्वारा दी जाती है रिड्यूस प्रेशर इन दी लोकल शोटिंग ऑफिस जो हमारे लोकल चोटिंग ऑफिसेज होते हैं क्षेत्रीय छंटाई कार्यालय होते हैं उनका जो प्रेशर होता है उनकी छंटाई का उसको ये कम करते हैं सेंट्रल बैगिंग यूनिट या फिर केंद्रीय बैगिंग यूनिट ब्रांच ऑफ आर एम एस रेलवे मेल सर्विस की शाखा है बंडल्स प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस ग्रुप एंड एनक्लोज इन डायरेक्ट बैग तो ये क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के द्वारा बनाए गए बंडल्स को ये ग्रुप करते हैं उनको एक साथ करते हैं और उनको एक थैले में समाविष्ट कर देते हैं उनको एक साथ मिला के एक थैले में वो डाल देंगे उसके बाद आता है हमारे पास रिटर्न लेटर ऑफिस आर एल ओ एस्टैब्लिश्ड एट दी हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल तो पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर में ये स्थित होता है इट डील्स विद और ये किसके साथ डील करता है इसका क्या काम होता है जो अनक्लेम्ड आर्टिकल्स होते हैं रिफ्यूज आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स विदाउट एड्रेस एड्रेस बिना के आर्टिकल्स होते हैं एड्रेस आर्टिकल्स होते हैं इनके साथ ये डील करता है इनको देखता है कि इनका निपटान हो सकता है या नहीं अगर इनको खोला जाता है यहाँ पे अगर इनका निपटान किया जा सकता है तो उनका निपटान किया जाता है जाता है या नहीं किया जा सकता है तो इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ये काम होता है हमारे पास रिटर्न लेटर ऑफिस का तो आज हम यहीं तक करेंगे बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू